सब हैप्पी हेल्दी और सेफली हैं। आज का ब्लॉग है एक इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो मैंने अपने ब्लॉग्स के लिए किया है। ये इम्प्रूवमेंट इसलिए है क्योंकि मैं जब भी ब्लॉग्स बनाती थी मैं अपने सारे फ्रेंड्स से पूछती थी ब्लॉग्स में क्या इम्प्रूव करूँ और वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि अपनी ऑडियो क्वालिटी अच्छी कर लो, बाकी सब बेस्ट है। तो मैंने अपने ब्लॉगिंग किट में इंक्लूड किया है ग्रेनियरो का वायरलेस माइक। वायरलेस माइक इसलिए क्योंकि वायरस वाले माइक्स के साथ मुझे ये सारे इश्यूज आते थे। जिसमें मैं किसी बड़ी बिल्डिंग या किसी ऊंचे मॉन्यूमेंट के बारे में बता रही हूँ तो मैं मोबाइल को आगे रख के बिल्डिंग के सामने खड़े होकर कुछ भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। और अगर मैं मार्केट में हूँ तो भी ये काम करेगा क्योंकि फिर बीच में वायर नहीं होगी, ऐसे बंदे बीच में घुसने लगते हैं जैसे आपने वीडियो में देखा अभी। तो फाइनली ये सारे वायरस वाले इशू रिमूव करने के लिए मंगाया गया है ग्रेनियरो का डुअल आउटपुट माइक। डुअल इसलिए लिया मैंने क्योंकि कभी कभी मैं किसी शॉप पे जाती हूँ जो अपने बारे में कुछ बताते हैं तो उनकी आवाज़ तो रिकॉर्ड नहीं होती, मेरी हो जाती है, उनकी बहुत लो वॉल्यूम की होती है। इसलिए इसमें दो माइक्स हैं, एक मैं उन्हें दे सकती हूँ, एक मैं खुद लगाऊंगी। इसमें आते हैं ये एक माइक, ये दूसरा माइक और ये एक रिसीवर। इस रिसीवर को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये रिसीवर खुद से आप फोन में जैसे ही फिट करोगे वो खुद से चार्ज होता रहता है। ये एक चार्जिंग केस है जिसमें आप दोनों माइक और रिसीवर डाल सकते हो और दोनों माइक्स खुद को रिचार्ज करते रहेंगे इससे। इसके साथ ही आपको मिल जाता है इसका यूएसबी केबल जिससे आप इस केस को चार्ज कर सकते हो और आप इसे डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, मतलब आप इसको यहाँ से ऐसे डाल लो इसमें और ये चार्ज हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल एप्पल का है तो आप एप्पल का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये है सिर्फ एंड्रॉयड के लिए। इसको आप ऐसे पीछे लगा दो और फिर इसे एप्पल के फ़ोन में भी यूज़ किया जा सकता है। बस एक इशू मुझे जो लगा इसमें वो ये कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब जैसे हमारे आईपॉड या फिर एयरपॉड होते हैं सैमसंग के या किसी भी ब्रांड के, उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसकी नहीं है। बाकी इसके अलावा आप सब कुछ बेस्ट है। ये मैंने लिया है 2700 का, तो इतने कम पैसों में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आइए अब सुनते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसका पहला फीचर है प्लग एंड प्ले जिसमें आप इस रिसीवर को मोबाइल में कनेक्ट कर दो और मोबाइल के कैमरे से कुछ भी रिकॉर्ड कर दो, आपको कोई भी अदर ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेनियरो वायरलेस माइक की रेंज है 20 meters। मैं इससे पीछे भी गई थी बट वहाँ पर मेरा फेस नहीं आ रहा था कैमरे में, इसलिए मैं थोड़ा आगे आई हूँ। यहाँ से मेरा फेस ब्लर तो आ रहा है बट ठीक आ रहा है। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ मैं कितने पास आई हूँ कैमरे के। और यहाँ से भी वॉइस बहुत क्लियर आ रही है, मेरा वायरलेस माइक आ गया है, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ऑडियो की। ये रहा मेरा कैमरा, यहाँ पे फिक्स किया था मैंने। सेकंड फीचर है इसका 20 meters का रेंज जो अभी आपने पिछले क्लिप में देख ही लिया कितनी अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी। और थर्ड फीचर है इसका 3-stage नॉइस कैंसिलेशन। अगर आप इसे ऑन करने के बाद 3 times प्रेस करते हो तो इसका 3rd stage नॉइस कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपके बैकग्राउंड की सारी वॉइस क्लियर हो जाएगी, सिर्फ आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी। अब इसका 3-stage नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट करते हैं। लॉन्ग प्रेस से ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया। फिर इसे जब आप 3 times प्रेस करोगे तो इसका 3-stage नॉइस कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। चेक करने के लिए ये 3 times ब्लिंक करेगा, वो आप चेक कर लेना। 1, 2, 3 times ब्लिंक कर दिया।
तो अब मेरी वॉइस और भी क्लियर आ रही होंगी। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं इस माइक का यूज़ करूँगी, फिर आप बताना ये माइक कैसा काम कर रहा है। आई होप आपको ये व्लॉग हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट माइक परचेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।